नमस्कार दोस्तों, एसईओएस की अपनी सीरीज चल रही है। इसमें आज हम एसईओएस का वो पैटर्न देखेंगे जिसमें फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, जो फ्रेजल वर्ब बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब, ये कॉम्बिनेशन होता है एक फ्रेजल वर्ब का। जिस किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन या एडवर्ब एड आते हैं, साथ में जुड़े हुए आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो आज हमारा पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है वो उसी पे बेस्ड है, फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब। ठीक है, तो ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं इनके प्रीपोजिशन सॉरी इनके जो पैसिव वॉइस होते हैं वो हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस मैंने लिया है आई लुक्ड आफ्टर माय फादर। अब देखिए फ्रेजल वर्ब ना, जैसे हमारे यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब क्या है, लुक है। ठीक है, और इसके बाद में क्या लगा हुआ, आफ्टर लगा हुआ। सॉरी, अगर यहां पे इसको हम अगर ऐसे डिवाइड करें, ये वर्ब है ये प्रीपोजिशन, अलग अलग करेंगे तब यहां पे हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये दोनों क्या भाई, ये दोनों मिलके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। ठीक है, और अकेले लुक का मतलब तो अलग होता है और लुक आफ्टर का मतलब अलग होता है। जैसे लुक का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन जो होती है वो आती है तो फ्रेजल वर्ब उससे बनती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं और इसको बनाते हैं कि किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला वही है, ऑब्जेक्ट को ढूंढो। ऑब्जेक्ट है भाई फादर। ठीक है, फादर के साथ में माई जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है इसको साथ में रखेंगे, तो माई फादर। ठीक है, इतना हो गया। अब लुक जो है, लुक आफ्टर, ये आपको देखना होगा कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर। पास्ट में ये हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है और हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ कोई नहीं है जो कि पास्ट में शो करे। फ्यूचर में भी नहीं हो सकता, शैल विल चाहिए, तो ये है तो प्रेजेंट में। प्रेजेंट कौन सा टेंस, अगर हैज हैव आता तो ये थर्ड फॉर्म में आके परफेक्ट को बनाता, आई एन जी आता तो कंटीन्यूअस या परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाता। इसका मतलब ये है प्रेजेंट में, वो भी कौन सा, इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते वक्त सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर लगाते हैं, तो माई फादर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। माई फादर इज, लुक को हम थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे लुक्ड, माई फादर इज लुक्ड और आफ्टर लगा देंगे। ठीक है, माई फादर इज लुक्ड आफ्टर और फिर हम लगाएंगे बाय मी, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और फिर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और जो इसके वर्ब के बाद में जो प्रीपोजिशन आ रही है उसे रख दो। ठीक है, और फिर एंड में बाय मी, और ये डिपेंड जो बाय मी लगाते हैं, बाय के बाद में जो हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, आपको पता है। नेक्स्ट है वी मस्ट लुक फॉर द वॉच, इसमें मस्ट लुक फॉर, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया और लुक फॉर क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। ठीक है, तो इसको बनाएंगे द वॉच मस्ट बी, बी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि लुक तो अब थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, लुक The watch must be looked for by us. ठीक,
नेक्स्ट है दे थ्रू अस आउट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है हमारा अस। थ्रू आउट ये फ्रेजल वर्ब है, थ्रू आउट, थ्रो मेन वर्ब क्या होती है थ्रो, थ्रो की सेकंड फॉर्म में है थ्रू आउट, ठीक है। तो इसका बना देंगे वी वार, वर क्यों आया आर क्यों नहीं आया ये भी समझ लो, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है तो पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट का जो पैसिव बनाते हैं तो वाज और वर को हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो वी वार थ्रोन आउट, वी वार थ्रोन आउट, ठीक है, बाय देम लगा सकते हो, लगाना तो कोई दिक्कत नहीं। नो वन ऑब्जेक्टेड टू माई प्रोपोजल, ऑब्जेक्टेड टू, ठीक है। अब ऑब्जेक्टेड लगा हुआ है तो ये भी सेकंड फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट होता तो अकेला सिंगुलर नहीं आता और प्रेजेंट में आता, ठीक है। तो माई प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं लगाना है। मदर्स ब्रिंग अप चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय मदर्स, इतना करना है। चिल्ड्रन के साथ में हमने आर क्यों लगाया है, क्योंकि ये आर इसलिए लगा है कि चिल्ड्रन जो है ये सिंगुलर ना होगी, क्या है प्लूरल है, ठीक है। और चिल्ड्रन के साथ में आर आ गया क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, ब्रिंग मींस पालन, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, तो इसी को हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को और पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर लगाते हैं, तो चिल्ड्रन के साथ आर आ गया, ठीक है। वी मस्ट लिसन टू अवर पेरेंट्स, अवर पेरेंट्स मस्ट बी Our parents must be listened to by us, ठीक है। तो ये था passive voice उन sentences का जिनमें phrasal verb हम use करते हैं, ठीक है। तो passive voice जो है ना वो हमारा complete है almost, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग direct और indirect शुरू करेंगे, जो कि transformation का English में एक अलग स्टैंडर्ड का होता है, क्योंकि उसमें ना आपको पार्ट ऑफ स्पीच पे कमांड होनी चाहिए, जिसे आपको टेंस अच्छे से आने चाहिए, आपको प्रोनाउन अच्छे से आने चाहिए, आपको नाउन भी अच्छे से आने चाहिए, एडवर्ब भी अच्छे से आने चाहिए, वर्ब भी अच्छे से आने चाहिए, ये सारी चीजें। और या फिर मान लो आप पजेसिव्स जो होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं या फिर जो एडजेक्टिव होते हैं, वो सारे आपको उन पे बढ़िया से कमांड होनी चाहिए। तो वो जो चैप्टर मैं डालूंगा उनको पढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि पीछे की क्लासेज में जाके वो सारा का सारा मैटर पढ़ें, ठीक है। या फिर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उनसे देखें, क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हीं के बेस पे चलता है, आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।